हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? और हम जो हमारा जनरल इंग्लिश का वोकैबुलरी वाला लेक्चर है, लेक्चर 7, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये एसएससी सीजीएल 2020 जो हमारा एग्ज़ाम होगा, उसके पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। तो आप इसे आप देख ही रहे हैं, डेली आपके पास वीडियो आता है 9 बजे, तो आप इसको प्रैक्टिस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड लिखा हुआ है माउंट। माउंट मतलब क्या होता है? माउंट मतलब होता है सवार होने के लिए वर्ड आता है, सवार होना। और माउंट बोल सकते हैं या फिर हम राइड बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली बाइक में राइड करने के लिए आता है, या फिर साइकिल हो गया, या माउंट करने के लिए जैसे हॉर्स वगैरह, हॉर्स राइडिंग यानी कि घोड़े वगैरह में चढ़ने के लिए भी हमारा वर्ड माउंट यूज़ किया जाता है। और यहीं पर अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, अपोजिट वर्ड, तो बोलते हैं डिसमाउंट। डिसमाउंट क्या होता है? उतरने के लिए, यानी कि माउंट मतलब चढ़ना और डिसमाउंट मतलब उतरना। नेक्स्ट वर्ड है ग्रोप। ग्रोप मतलब क्या होता है? ग्रोप मतलब होता है टटोलना। ग्रोप वर्ड होता है टटोलने के लिए यूज़ किया जाता है। और एक वर्ड आता है फ्रिस्क, FRISK, या बोलते हैं पैट डाउन। इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि आप देखते हैं कि एयरपोर्ट वगैरह में जो सिक्योरिटी यानी कि जो चेकिंग होती है, वो फ्रिस्क या पैट डाउन यानी कि टटोल कर जो तलाशी लेते हैं, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है फ्रिस्क या पैट डाउन। एक वर्ड आता है प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग मतलब क्या होता है? प्रोलॉन्ग मतलब होता है, मान लीजिए कोई मामला है, कोई मैटर है, और मान लीजिए कोई कोर्ट में केस वगैरह चल रहा है और वो मैटर बहुत ज़्यादा लंबा खींच रहा है, यानी कि बार बार उसमें डेट पे डेट यानी कि तारीखें मिल रही हैं, यानी कि मामला जो है बहुत लंबा खींच रहा है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है प्रोलॉन्ग। या आप बोल सकते हैं प्रोट्रैक्ट, प्रो ट्रैक्ट, PROTRACT, या बोल सकते हैं प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट, या आप बोल सकते हैं कि एक वर्ड आता है लेंथन। लेंथन। और हिंदी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो बातचीत में हम लोग बोलते हैं कि बड़ी लेथन फैल गई है। लेथन नहीं होता है, एक्चुअली लेंथन ही होता है, लेकिन बोलने का जो हमारा प्रोनंसिएशन है वो गलत होता है। तो लेंथन मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मान लीजिए मैटर को बहुत बढ़ा दिया गया है, मामला लंबा खिंच गया है, उसके लिए वर्ड ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वेस्टोड। वेस्टोड मतलब क्या होता है? वेस्टोड मतलब होता है कि नवाजना, यानी कि सम्मान देना। नवाजने के लिए आता है, नवाजना किसी उपाधि से या किसी पुरस्कार से नवाजने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बेस्टोड। और एक वर्ड आता है हमारा, जिसे बोलते हैं कन्फर, CONFER, CON, बेस्टो, कन्फर। यह एक वर्ड आता है बीक्वेथ, BEQUETH, बीक्वेथ, कन्फर, बेस्टोड, सभी का मतलब होता है नवाजना। नेक्स्ट वर्ड है डिवोटेड। डिवोटेड मतलब क्या होता है? डिवोटेड जो वर्ड आता है, या तो फिर हम बोल सकते हैं डेडिकेटेड। डेडिकेटेड यानी कि समर्पित करना। और डिवोटी आपको पता ही है क्या होता है? डिवोटी मतलब होता है जो श्रद्धालु होते हैं, उसके लिए वर्ड डिवोटी यूज़ किया जाता है। डिवोटेड मतलब, या डेडिकेटेड मतलब होता है समर्पित होना। सेक्रीफाइस एक वर्ड आता है, इसका मतलब बलिदान देने के लिए यूज़ करते हैं। तो सारे वर्ड क्लियर हो गए। नेक्स्ट हमारा है कंक्लूड। कंक्लूड मतलब क्या होता है? कंक्लूड जो हमारा कंक्लूजन होता है, यानी कि निष्कर्ष, निष्कर्ष निकालने के लिए। और नेक्स्ट वर्ड है पेडिग्री। पेडिग्री मतलब क्या होता है? पेडिग्री मतलब होती है जो हाइब्रिड होती है, या बोल सकते हैं हम उन्नत नस्ल। एक उन्नत नस्ल जो होती है, जो क्रॉस ब्रीड बोल सकते हैं उसको, क्रॉस ब्रीड, ठीक है, क्रॉस ब्रीड, हाइब्रिड या पेडिग्री, सभी का मतलब होता है उन्नत नस्ल। नेक्स्ट वर्ड होता है लीनेज। लीनेज मतलब क्या होता है? लीनेज जो वंशावली होती है,
वंशावली के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं लीनियज। और नेक्स्ट वर्ड है प्रोग्नोस्टिकेट। प्रोग्नोस्टिकेट मतलब होता है प्रेडिक्ट करना, यानी कि भविष्यवाणी करना। और इससे इसके बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे कि फॉरटेल, फॉरकास्ट, या प्रिडिक्ट से हमारा प्रिडिक्शन बना है। तो इसके कई सारे वर्ड आते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है विच किड। विच किड मतलब क्या होता है? विच किड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ऐसा बच्चा जो बहुत ज़्यादा विलक्षण प्रतिभा का होता है, यानी कि मान लीजिए कोई बच्चा है शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, उसमें कई सारी क्वालिटियाँ हैं जो इनबॉर्न हैं। इनबॉर्न मतलब क्या होता है? इनबॉर्न मतलब होता है जो जन्मजात जन्मजात होता है। उसके लिए एक और वर्ड आता है इननेट, ठीक है। और विच किड जो होता है मतलब कि जो बच्चा होता है और जन्मजात ही बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली होता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए वर्ड यूज़ कर किए जाते हैं, जैसे प्रोडिजी, प्रोडिजी हो गया, या विच किड हो गया, या प्रिकॉशियस चाइल्ड, प्री कॉशियस चाइल्ड। तो इन सभी का मतलब होता है प्रिकॉशियस चाइल्ड या प्रोडिजी, विच किड, सभी का मतलब क्या होता है? सभी का मतलब होता है ऐसा बच्चा जो बहुत ज़्यादा प्रतिभावान होता है, यानी कि विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है, बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एनवायर्ड। एनवायर्ड मतलब क्या होता है? एनवायर्ड मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि चिंतित होता है या परेशान होता है, एंग्शियस बोल सकते हैं, यानी कि परेशान वगैरह होता है, उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और देखिए कुछ वर्ड हैं, जैसे कि आपने सुना होगा स्टीम। स्टीम तो सभी को पता है, स्टीम मतलब क्या होता है? भाप। और स्मोक, स्मोक मतलब भी पता है, जो हमारा धुआं होता है। एक वर्ड होता है मिस्ट, मिस्ट या हेज। मिस्ट या हेज मतलब क्या होता है? मिस्ट या जो हेज होता है, इसका मतलब होता है जो धुंध होती है, जो धुंध होती है उसे बोलते हैं मिस्ट या हेज। और जो एक वर्ड हमारा होता है, जैसे कि जिसे बोलते हैं फॉग। फॉग मतलब क्या होता है? जो कोहरा होता है उसे फॉग बोलते हैं। और एक वर्ड होता है हमारा ड्यू। ड्यू मतलब जो हमारी ओस होती है उसे, ठीक है, उसे ड्यू बोलते हैं। और जो वेपर होता है, VAPOUR, ये हमारी क्या होती है? ये हमारी होती है वास्प। और उसके बाद एक वर्ड आता है, हाँ, ब्लाइट, BLIGHT। ब्लाइट मतलब होता है पाला। पाला क्या होता है? पाला आप देखते हैं सर्दियों में जो फसलों में पाला पड़ जाता है, उसे बोलते हैं ब्लाइट, पाला। तो ब्लाइट मीन्स पाला हो गया, वेपर मीन्स वाष्प हो गए, ड्यू मीन्स ओस, फॉग मीन्स कोहरा, और मिस्ट हेज यानी कि धुंध, स्टीम मतलब हमारी जो भाप होती है, स्मोक मतलब धुआं। तो सारे वर्ड आई आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड है इंसिस्टेंट। इंसिस्टेंट मतलब क्या होता है? इंसिस्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छा है। इंसिस्टेंट मतलब होता है जो कंटिन्यू, यानी कि आप बोल सकते हैं उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, यानी कि किसी, या तो फिर हम बोल सकते हैं इम्पोज, जोर डालने के लिए भी वर्ड आता है। तो इंसिस्टेंट या इम्पोज मतलब होता है जोर डालना। नेक्स्ट वर्ड है कीन। कीन मतलब क्या होता है? कीन या ईगर, EAGER, ईगर बोल सकते हैं, या हम क्यूरियस बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इनक्विस्टिव, INQUISITIVE। इनक्विस्टिव मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है, उत्तेजित होता है, उसके लिए ये सब वर्ड यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर वर्ड बताए जो ये वेपर वगैरह हैं। यहाँ पर एक वर्ड आप और नोट कर लीजिए, फ्यूम। फ्यूम मतलब क्या होता है? फ्यूम मतलब होता है कि आपने देखा होगा जो पेट्रोल की टंकी होती है, मान लीजिए आपने बाइक की जो पेट्रोल की टंकी ओपन करी, और या फिर आपने जो विक्स इनहेलर देखा होगा, उसमें जो एक स्मेल टाइप की निकलती है, ठीक है, उसे फ्यूम बोलते हैं। या पेट्रोल टंकी से एक जो भाप टाइप की निकलती है आप बोल सकते हैं, उसे बोलते हैं फ्यूम। और फ्यूम का एक और वर्ड होता है, फ्यूम मतलब होता है जो गुस्सा होता है,
गुस्से के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं फ्यूम। तो फ्यूम के दो वर्ड होते हैं, एक जो पेट्रोल टंकी या इनहेलर विक्स से जो स्मेल एक निकलती है या आप कह सकते हैं कि भाप निकलती है, उसे हम लोग बोलते हैं फ्यूम, या फिर फ्यूम गुस्से के लिए भी यूज़ किया जाता है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम स्टडी। कैसा आपको लगा ये लेक्चर, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपका कोई भी सजेशन है या आप चाहते हैं कि इस पोर्शन में या इस पार्ट में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट